दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक वो है जो दोस्त बनकर धोखा दे। और खौफ उस वक्त तक जिंदा है जब तक दुश्मन जिंदा है। आखिर यहाँ हुआ क्या होगा? क्या फैजान का कत्ल? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं फैजान का कत्ल नहीं कर सकता, वो तो मेरा दोस्त था। पर मुझे अपने आप पर पूरा यकीन है कि मैं फैजान की मौत का जिम्मेदार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यहाँ कुछ तो ऐसा हुआ है जो मैं नहीं जानता। या मेरे मौला, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा?
ये कौन सी मुश्किल में फंस चुका हूं मैं, मुझे तो पता भी नहीं चला और इतना सब हो गया, अब पता नहीं इस मुश्किल से कैसे निकलूं। लेकिन मुझे यकीन है कि इंसाफ का जिम्मेदार मैं नहीं हो सकता। असन सब खैरियत थी? हम कल रात से तेरा नंबर ट्राई कर रहे हैं, मुसलसल स्विच ऑफ आ रहा था यार, इसीलिए सुबह होते ही हम तेरे घर आगे पता करने। बस कुछ नहीं यार, तबीयत नहीं ठीक थी और सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, इस वजह से मोबाइल स्विच ऑफ करके मैं सो गया। चल कोई नहीं यार, अपना ख्याल रखा कर, चल फ्रेश हो किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, बाकी बातें वहाँ पर करते हैं। यार हसन, तेरे से एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी यार। फिजान कल से गायब है, कल से उसका नंबर ट्राई कर रहे हैं, मुसलसल स्विच ऑफ जा रहा है। तुझे उसके बारे में कुछ पता है तो बता। नहीं यार, मुझे तो उसके बारे में कुछ नहीं पता। क्यों शयान, तुम्हें फिजान के बारे में पता है कुछ? नहीं यार, मुझे तो कुछ नहीं पता फिजान के बारे में। अच्छा यार, तुम लोग बात करो, मैं जरा वॉशरूम से होकर आता हूँ। अगर इनको सच का पता चल गया तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, साला इनका कुछ करना पड़ेगा। क्यों हसन, सब ठीक है? सब ठीक ही तो नहीं है। क्या मतलब, क्या हुआ? मतलब के ये तो मेरी वॉच है, तुम्हारे पास कैसे आई? अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, लेकिन क्या करें, तुम्हारा खेल तो अब ख़त्म। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है हसन? मतलब यही है कि फैजान का कत्ल हो चुका है।
और वो कत्ल तुमने किया है। और तुम जब भाग रहे थे ना वहां से अपनी पहचान छुपा के, तो तुम्हारी ये वॉच मुझे वहीं से मिली। शियान, तूने कॉल करके बुलाया, यहाँ पर सब खैरियत थी क्या? यार शियान, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? और ये फैजान मुझे यहां बुला के कहां चला गया यार? और अगर तुमने दोस्ती को दुश्मनी में बदल ही दिया है तो अब इस दुश्मनी को सहने की ताकत भी रखना, और खेल में जब तक सस्पेंस ना हो तो खेलने का मजा नहीं आता।